कांटे थे कांटे, जो भी आप ये सामने देख रहे हो रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है उस डिवाइडर का ये स्पेस है, और इस स्पेस को चारों तरफ से ये डिवाइडर का आप देख सकते हो रेलिंग, ये डिवाइडर की रेलिंग है दोनों साइड से, और ये खाली जगह है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई पौधे वौधे हो, इस खाली जगह को इन्होंने यूज़ किया है, कांटे है जो कांटे थे और पड़ा था, कांटे वगैरह झाड़ियाँ वगैरह थी यहाँ पर, इनको साफ करके इन्होंने बनाया है अच्छे से, ठंड से बचने के लिए, रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए, बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जो भी है आसपास के मकान या आसपास की जो फैक्ट्रीज है उनके जो मीटर लगे हुए हैं उनके मीटर से ये कनेक्टेड है, और ये बकायदा उनके बिल चुकाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पानी पीने की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो वो भी उनके मीटर से जुड़ा हुआ है, उसको भी बकायदा वो बिल चुकाएंगे, और साथ ही साथ फ्रेश वगैरह होने का जो एक प्रॉब्लम है उनके घरों में उन्होंने उपलब्ध कराया हुआ है। तो एक रहने के लिए जो तीन चार चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आपके बिस्तर चाहिए, मकान चाहिए, छत चाहिए, खाना चाहिए, ये सब की सुविधा इनके पास मौजूद है, तो इसके लिए अभी वैसा कोई परेशानी का मामला नहीं है। परेशानी तो शायद एक दो महीने बाद हो लोगों को या सरकार को, जब इनकी दिन ब दिन इनकी जो प्रदर्शन जो है ये मजबूत होता जाएगा, सख्त होता जाएगा, और इनकी मांग और सख्त होती जाएगी। बिल्कुल, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, जाएंगे इधर से बेटा, क्योंकि हम घर में जाकर करना की है, घर में जाकर अगर ये छोड़ के चले हम तो भूखे मरेंगे, है ना, और हमारी नस्लें क्या, अगर मोदी तेरी नस्लों को चाहिए तेरे जबानी होना चाहिए, सारा मुल्क लुट कर देना चाहना है, तो साढ़े जड़े बच्चे हो की करेंगे, अब बेईमाना साढ़े बच्चों का भी दस की बनूगा, असं जिंदगी तो गुआ लिया हिंदुस्तान की खातर, बार्डर से लड़ लड़ के, बैंक धक्के खा के, हैं तो हूँ असं किमें ज्यौते नहीं रह सकते, असं मरता भवे जाजे, जो मर गए बाद कुछ हो जाए ना हो जाए।